श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत शनिवार को महानगर के दाऊदपुर स्थित एक निजी आवास पर श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त होने के बाद भगवान श्री रामचंद्र के मंदिर में सहयोग करने के लिए महानगर के दर्जनों प्रतिष्ठित लोगों ने गोरक्ष प्रांत के प्रांत प्रचारक सुभाष जी से मिलकर अपना योगदान दिया। इस संबंध में हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने बताया कि यह भगवान श्री रामचंद्र जी का सिर्फ मंदिर निर्माण नहीं है, इसमें हम सभी लोगों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ है और हम इस भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य में अपना सहयोग देना चाहते हैं। इसी के क्रम में आज हम सभी लोगों द्वारा अपना स्वैच्छिक योगदान दिया गया। इस दौरान पूर्व विधायक गौरी देवी, आत्मा सिंह, राम मोहन जी, गोरखपुर न्यूज टीवी चैनल के संपादक हनुमान सिंह बघेल, दुर्गेश त्रिपाठी, अनुप गुप्ता सहित महानगर के अन्य प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश महामंत्री इंजीनियर पी के मल ने कहा, दिन ऐसा आएगा जब मंदिर बनेगा और एक एक रुपया बचा के मैं उस पे रख रही थी कि मंदिर में मैं भी अपना योगदान करूंगी, वो सारा पैसा है इसको आप नहीं करनी चाहिए। कहा कि नहीं, कितना सोचो? तो उनके पति ने कहा मैंने 1,00,000 सोचा है। तो पत्नी ने कहा कि 1,00,000 सूखा सूखा है, कुछ और मिला करते। तो टूटा सोफा था, टूटी कुर्सियाँ थी, किसी प्रकार वहाँ बैठे, चारपाई पड़ी थी उसमें बैठे। हम लोगों ने सोचा कि राम मंदिर के लिए क्या देंगे, 11,000-21,000 देंगे। यही आप लोग शांत रहिए, आप लोग उतना सोच भी नहीं सकते जितना मैंने संकल्प किया। और उस व्यक्ति ने 2,22,200। मैं एक दिन मदन मोहन मालवीय विश्वविद्यालय में था, वहाँ संपर्क करा था, मेरे पास एक अननोन व्यक्ति का फोन है। उनको कहा कि नहीं, हम घर घर जा रहे हैं राम मंदिर के लिए धन लेने के लिए। तो बोले मेरे घर कब आएंगे? हमने कहा आप जब कहिए तब आए। बोले आज आ जाइए। हमारा कोई परिचित नहीं, संत का विष्णु पर कोई परिचित नहीं। उन्होंने बोला है, मैं उनके घर गया, जैसे ही मेरे सामने बैठा बैठा ना, ऐसे नौजवान बेटा वो आया घर से तुरंत चेक लेकर। और उस व्यक्ति ने जो कहा, उसने कहा कि आज हमारी खुशी समा नहीं रही, इतने वर्षों के संघर्ष के बाद हमको राम मंदिर मिला है, एक चेक आप आज लेकर जाइए। हमारे घर में 3 काम हुए, एक पेट्रोल पंप है, एक गैस एजेंसी और हमारे पापा प्रोफेसर हैं, तीनों राम जी की कृपा से हैं, हम तीनों में से आपको राम मंदिर के लिए चेक देंगे। नौजवान जो धर्म और उन सब चीजों से बहुत दूर रहता है, लेकिन उस बालक ने कहा और मुझे उसे फोन किया, 1,00,000 रुपये हमारा महाराज जी के वहाँ हमको बुला दीजिए, वहाँ हमसे दिलवा दीजिए। उस दिन वो एकदम गया। ऐसे अनेक लोग फोन करके जो उनकी सामर्थ्य उस सामर्थ्य से ज्यादा है। राम मंदिर आस्था का विषय, आस्था और श्रद्धा के सामने सब कुछ बौना हो जाता है, सब कुछ छोटा हो जाता है। हिंदू समाज राम मंदिर के लिए इतना लंबा संघर्ष किया है, हिंदू समाज रुपए का अंबार लगाएगा, दुनिया देखेगी कि हिंदू समाज राम मंदिर बनाने के लिए कितना उत्सुक था। और हिंदू समाज की बात क्यों करते हैं, हिंदुस्तान में रहने वाले अनेक लोग अनेक पूजा पद्धतियों के मानने वाले लोग भी वो राम मंदिर के लिए कुछ करना चाहिए। अभी परसों में कार्यालय में था, प्रातः काल 5:30 बजे 2 लोग गए, वो बोले कि हमको मिलना है, लोग मुझे मिला है। तो मेरे पास जाकर के उन लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और अपना नाम भी बताया और कहा मंदिर के लिए मैं करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, कार्यालय प्रमुख को बुलाए, रसीद काट दो। उन्होंने चेक दिया, उन्होंने रसीद काट दिया और बाद में प्रणाम करके गए वो। तो मैंने पूछा चेक कितने का है, तो बोले 5,00,000 का है। कौन थे? मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ 5,00,000 रुपया राम मंदिर के लिए दे करके गए। अनेक पूजा पद्धतियों के मानने वाले लोग भी आज मंदिर बन रहा है, इसकी खुशी उन सबके मन में, उनके सबके मन में, हर हिंदुस्तानी के मन में भगवान के प्रति भाव जागरण होना चाहिए, राम के प्रति भाव जागरण होना चाहिए। राम एक ऐसा तत्व है जो पूरे देश को एक साथ जोड़ के रखता है। भक्ति एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण समाज को एक साथ जोड़ के रखता है। इसलिए ये जो अभियान चला है ना, संपूर्ण समाज की भावना मंदिर के साथ जोड़ने की, राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का स्वरूप बने, सारी जनता की भावना मंदिर निर्माण में एक साथ जुड़े। इसलिए जनता, जो कुछ मेरे पास में है वो भगवान का, मैं भी भगवान का हूँ, हमारी कमाई भी राम जी की है, मंदिर भी राम जी का है,
अपनी सामर्थ्य के अनुसार राम जी का अंश निकाल करके दें। इस प्रकार से समाज में अनेक लोग कर रहे हैं, दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ता समाज के बीच जा रहे हैं, समाज को जगा रहे हैं। हमारे पास तो 200 रुपए का कूपन है, 100 रुपए का कूपन है, 1000 रुपए का कूपन है, हम तो कूपन भी दे रहे हैं। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनको भगवान की कृपा प्राप्त है, जिनके घर में लक्ष्मी निवास कर रही है, लक्ष्मी के कारण जिनका मान सम्मान है, यस, उनसे आग्रह यह है कि आप की इच्छा जो है, आपकी श्रद्धा जो, आपकी भक्ति जो, उसके अनुसार आप दीजिए। हाँ, एक बार जरूर ये सोचिए, अपने घर में सबके साथ बैठ के विचार करिए कि हमको मोहल्ले के दुर्गा पूजा के लिए चंदा नहीं देना है, ये कोई रामलीला कमेटी का चंदा नहीं है, ये हमारे पड़ोस में बनने वाला राम मंदिर नहीं है, ये अयोध्या की पावन धरती में बनने वाला राम मंदिर है। हमको उतना देना चाहिए जितने में हमको संतुष्टि हो कि हाँ, राम मंदिर के लिए मैंने खुद ही कुछ किया है, मैंने भी कुछ किया है। परिवार के साथ, सबके साथ मिल करके देना चाहिए। अनेक कार्यकर्ता है सब राम मंदिर के लिए समर्पण निधि दे दिए, निधि का समर्पण करें। और बेटी को बुलाए, बेटी ने बहुत ही श्रद्धा करा 51,000 रुपये राम मंदिर के। आज भी देखिए हमारे सामने एक माता जी आ गई, भाई साहब आ गए, का विषय, आस्था का विषय, हमारी प्रसन्नता का विषय है, राम मंदिर के साथ सबको जोड़ने का विषय। इसलिए हम सब लोग मिलकर के इस महायज्ञ में अपनी श्रद्धा के अनुसार, भक्ति के अनुसार और अपनी क्षमता के अनुसार, मैं फिर कहता हूँ नहीं करना, हाँ, हमारी जो कमाई है उस कमाई में हमारी श्रद्धा के अनुसार, हमारी शक्ति के अनुसार राम मंदिर के लिए हमको धन देना है। सारा समाज दे रहा है, हम लोग भी जैसा सबने संकल्प किया है वैसा करिए। और करना एक सामान्य बात है, आप तो करेंगे ही, आपने संकल्प लिया है, आप आए इसलिए। लेकिन यहाँ से जाने के बाद हम भी समाज के बीच जाएं, समाज के लोगों का मन बना करके, समाज के लोगों की भावना मंदिर के साथ जोड़ें। मैं इंजीनियर पी के मल, हिंदू युवानी प्रदेश महामंत्री हूँ। आज श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद जो भव्य राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है, भगवान श्री राम का ये जन्मभूमि का ये मंदिर निर्माण ही नहीं है, ये लोगों से आस्था जुड़ी हुई है और हर व्यक्ति राम से अपने आप को जुड़ा हुआ मानता है। तो आज बहुत सारे हमारे मिलने जुलने वाले ने बोला कि हम भी भगवान श्री राम का ये भव्य मंदिर निर्माण में सहयोग करना चाहते हैं। तो आज माननीय प्रांत प्रचारक जी श्री सुभाष जी गोरखपुर प्रांत के, वो गोरखपुर प्रांत के आए हुए हैं और उन्हीं को लोग अपने अपने संकल्प के अनुसार उनको मंदिर निर्माण हेतु राशि समर्पित कर रहे हैं। करीब कितने लोग यहाँ? करीब 30 लोग, एक छोटा सा कार्यक्रम था क्योंकि बहुत क्लोज कार्यक्रम था, तो 30 लोग यहाँ पे हैं और सैकड़ों की संख्या अभी इंतजार कर रही है क्योंकि कोविड के कारण से बहुत ज़्यादा इकट्ठा अभी नहीं किया गया है, लेकिन अलग अलग ग्रुप में ऐसे किए जा रहे हैं। और एक बड़ा कार्यक्रम भी लोगों के बृहद मांग पर किया जा रहा है आगे। हाँ, आपने जो राम जन्मभूमि के जो मंदिर निर्माण का तीर्थ क्षेत्र का जो कार्यक्रम है, वो घर घर जाके लोगों को जोड़ा जा रहा है और लोग बुला रहे हैं, अपने अपने घर पे टेलीफोन करके बुला रहे हैं। मेरे पास तो कई जगह से फोन आए कि हम लोग समर्पित करना चाहते हैं ये धनराशि, तो इसीलिए आज ये कार्यक्रम रखा गया।